हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन पांचों सामान में बैटरी से इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे और फिर देखेंगे किस में मेरा जो ये बल्ब है ये तेज बरेगा। तो गाइस चलो देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस नॉर्मली हम एक पत्ता ले लिए इस तरीके का और एक ये एलोवेरा ले लिए हैं। ये आलू है, थोड़ा मुरझा गया है, और ये एक टहनी है इसी पत्ते का था मतलब ये है। और फिर ये गाइस दूसरा टहनी है जो कि बहुत हल्का है। और इसी से पांचों चीज़ में हम देखेंगे किस में जो मेरा है इलेक्ट्रिक फ्लो बढ़िया होगा। तो नॉर्मली गाइस हम इस तरीके का एक बैटरी ले लिए हैं और चलो सबसे पहले हम इस बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं इस बैटरी से। तो निगेटिव वाला पार्ट हम निगेटिव में पहले डाल देते हैं और पॉजिटिव से हम चेक करेंगे। तो गाइस सब में हमें पोंछना होगा, क्योंकि अगर हम पोंछेंगे नहीं हो सकता कि इसमें तो मेरा जो बल्ब है अभी जल रहा है पोंछ देंगे, नहीं तो फिर इसमें जो रहेगा इस प्लांट का पानी या कुछ भी लगा रहेगा तो ये सील कर देगा इसमें इसे। तो इसीलिए हमें इसे बार बार पोंछना होगा एक एक टर्नी में डालने के बाद। तो चलो सबसे पहले इस छोटे वाले में डालते हैं, कैंची की सहायता से हम इसे पहले होल कर लेते हैं, नहीं तो पतला वायर है कहाँ से जा पाएगा अंदर। और इसे भी हम होल कर लेंगे इस तरीके से, और अब इस वायर को हम इसमें इस तरीके से डाल दिए, और अब इस वाले को इसमें डालेंगे और फिर देखेंगे क्या मेरा जो ये बल्ब है जलेगा या। तो देख सकते हो गाइस मेरा बल्ब जो है हल्का सा जल रहा है, देखो बहुत हल्का सा गाइस ये जो बल्ब है मेरा जल रहा है, देखो तेज से नहीं जल पा रहा है। और देखो गाइस ये बुझ गया, निकल गया क्योंकि। और अब हम इसे इसमें डालते हैं, तो देखो गाइस हल्का सा भरा है और बुझ गया, तो इसमें से अभी बढ़िया तरीके से नहीं जल पाया। अब चलो हम इस आलू में देखते हैं क्या इसमें ये जल पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले कैंची की सहायता से होल कर लेते हैं दोड़ो, और अब चलो हम इस वायर को पहले पोंछ लें और अब इसमें डालते हैं। और अब ये वाला वायर हमारा, तो देखो गाइस अभी ये जला नहीं है, इसमें डाल लें तो देखो इसमें भी हल्का सा ही जला है, ज़्यादा तेज रोशनी नहीं दे रहा है। अब एलोवेरा में देखते हैं एलोवेरा में क्या होगा। तो एलोवेरा में भी दो होल कर लेते हैं हरा वाले पार्ट में इसके, और अब चलो हम इसमें डालते हैं इसे और फिर देखेंगे। तो देखो गाइस एलोवेरा में भी मेरा जो बल्ब है जल रहा है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, इतना तेज मेरा आलू और उस टहनी में जला उतना तेज एलोवेरा में नहीं जला। तो देखो गाइस अब इस टहनी में डाल के देखते हैं, या तो आगे पीछे ही टच करके देख लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे से ये छीला गया है मतलब तोड़े हैं तो ये यहाँ पे है। तो देख सकते हो गाइस हल्का हल्का जल रहा है। तो गाइस ऐसे हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको ये बल्ब कैसे जल रहा है मतलब कैसे ये जल रहा है, तो इसीलिए हमें इसे में होल करना होगा। तो ये वाला टर्नी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इन दोनों में हम होल मतलब इस टर्नी में दो होल कर लिए, और अब चलो इस वायर को डाल देते हैं इधर, और ये वाला वायर। तो देखो गाइस इसमें भी मेरा हल्का सा बल्ब जला है, ज़्यादा तेज नहीं जल रहा है हल्का जल रहा है, तो निकाल देंगे तो कुछ जाएगा देखो गाइस। और अब चलो इस पत्ते में देखते हैं क्या इस पत्ते में जलेगा या नहीं। तो सबसे पहले पत्ते को हम इस तरीके से छील लेते हैं, फाड़ी लिए मैसेज इसे, और यहाँ भी इस तरीके से हम इसे फाड़ लेते हैं। तो देखो गाइस पत्ते में भी मेरा जो बल्ब है बहुत हल्का सा बर रहा है, देखो 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 गाइस, जैसे कि आपको दिखता होगा यहाँ पे वाइट वाइट रोशनी, और जब छोड़ दिए तो देखो बंद हो गया। फिर से दिखाते हैं, तो देखो गाइस ये जल गया फिर से। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जो मेरे चैनल को है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।
और गाइस मेरे वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।